हाँ, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पाइप एंड सिस्टम का ये अगला क्वेश्चन। एक टंकी में तीन पाइप ए बी तथा सी लगे हुए हैं। ए तथा बी इसे क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः साय 3 बजे, 4 बजे तथा 5 बजे खोला जाए तो किस समय टंकी जो है खाली हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन आपका है टाइम बेसिस पर है कि टंकी में 3 नल, 2 नल, जो भी है जितना नल लगा हुआ है उसे बारी बारी से कुछ समय के अंतराल में या टाइमिंग दे रखा है कि इतने बजे इतने बजे इतने बजे खोला जाएगा। सही है। और अब उसके बाद पूछेगा कुछ, 2 नल अगर है, 2 नल दे रखा है कि वो टंकी को फिल करता है और एक अगला नल है जो टंकी को खाली करता है, तो इसमें पूछा यही जाएगा कि क्रमशः जो टंकी है खाली होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले ए नल के बारे में बोला कि वह 3 घंटे में पानी को टंकी को भर सकता है और बी नल जो है वह 4 घंटे में भर सकता है और तीसरा नल जो आपका सी है वह दे रहा है कि 1 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो चूंकि ये खाली करने वाला है इसलिए इसको माइनस से कर लेते हैं। ठीक है, अब वापस से इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं तो 3 चौके 12, 4 तिया 12 और ये हो गया आपका 12 बटा 2। अगर हम ये देखें, ये भी चूंकि खाली करने का काम हो रहा है तो इधर 12 इसका जो एफिशिएंसी है माइनस कर देते हैं। अब चूंकि हम ये देखते हैं कि अगर टंकी को दोनों नल ए और बी भर रहा है तो 4 और 3 7 के एफिशिएंसी से भर रहा है और ये जो है 12 के एफिशिएंसी से ये खाली हो रहा है, यानी ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि टंकी जो है मेरा खाली हो रहा है। तो टंकी जो खाली हो रहा है किस एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, 5 के एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। अब चलिए, अब यहाँ टाइम बॉन्डिंग दे दिया है। टाइम ये दे रखा है कि ए जो है क्रमशः 3 बजे, उसके बाद बी जो है 4 बजे और सी जो है वह 5 बजे खोला जाता है नल। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, कितने बजे टंकी जो है खाली हो जाएगी। तो चलो हम एक काम करते हैं, ये जो सी नल है वो तो 5 बजे खुल रहा है तो ए नल जो है वो 5 बजे तक तो फिल करेगा ना टंकी को, यानी 3 2 5 2 घंटे तक ये काम करेगा। तो हम 2 घंटे का ए का काम निकाल देंगे तो 4 दुना 8 यूनिट जल जो है ये टंकी में भरेगा। उसी तरीके से बी जो है, बी नल है ये जो है आपको 4 बजे से चालू होता है तो 4 से 5 बजे तक यानी 1 घंटे में वो कितना, 3 यूनिट पानी भरेगा, यानी ओवरऑल पानी कितना भरा है, 11 यूनिट। अब पानी जो है 11 यूनिट भर हो गया, 11 यूनिट जो है पानी भरा गया आपका और इसी 11 यूनिट पानी को ये नल जो है टंकी में जो लगा हुआ नल सी ये इसी 11 यूनिट पानी को खाली करने का काम करेगा। तो आप ये देखो हम क्या करेंगे, 5 के इफिशियंसी से खाली हो रहा ना, इसे यहाँ 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना टाइम में लगेगा, 5 गुना 10 और 1 बचा बाई 5, इसको क्या करेंगे मिनट में तब्दील कर देंगे तो 12 25 60, यानी बोल सकते हैं कि सी जो है टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लेगा, 2 घंटा 12 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है, तो अब चूंकि आपका यहाँ पूछा गया है कि टंकी जो है कितने बजे खाली होगा तो लास्ट नल सी जो है कितने बजे खुला है, 5 बजे। अब 5 बजे के बाद ही टंकी खाली होगा ना, तो यहाँ 5 बजे से लेके 2 घंटा 12 मिनट का टाइम जो है पीरियड जो है सब जोड़ देंगे तो 5 2 7 बजकर 12 मिनट पे आपका टंकी जो है खाली हो जाएगा सी के द्वारा। तो ये इसका आंसर होगा। सही है, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सेम पैटर्न का इसी का टाइम बेसिस पर क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन ये कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप इस भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली टंकी में ये क्रमशः 8 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः और 11 बजे प्रातः खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ दो पाइप दे दिया, बोल रहा है कि एक पाइप 15 घंटे में
और दूसरा पाइप जो है 12 घंटे में टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है, और तीसरा पाइप जो है टंकी को खाली करता है वो कितने घंटे में खाली कर रहा है, 4 घंटे में, चूंकि ये खाली करने वाला है तो इसीलिए इसे माइनस से अपन डिकेट कर लो। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम 60 हो जाएगा। अब 60 को डिवाइड अगर करेंगे बारी बारी से इसे, तो ये हो गया आपका 15 × 6 = 60, ये हो गया 12 × 5 = 60, और ये हो जाएगा आपका 15 × 6 = 60। अब चूंकि ये खाली करने वाला ही यूनिट है तो इसलिए इसको माइनस से कर लो। अब देखो, अब बोल रहा है कि ये जो नल है, बारी बारी से नल को 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे मॉर्निंग में खोला जाता है, 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे मॉर्निंग खोला जाता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो नल ए है, ए नल है, ये पहला वाला जो नल है वो क्या कर रहा है, टंकी को 4 की एफिशिएंसी से भर रहा है, दूसरा जो है 5 की एफिशिएंसी से भर रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, 15 यूनिट की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 4 यूनिट पानी भरा रहा और 15 यूनिट खाली कर सकता है, यानी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 × 4 = 9, 9 × 6 = 15, 6 यूनिट पानी खाली करने का एफिशिएंसी, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है 6 यूनिट के दर से खाली हो रहा है, ठीक है। तो अब चूंकि एक कंडीशन और दिए रखा है कि जो पहला वाला नल है उसे 8 बजे खोला जा रहा है, दूसरा नल जो है 9 बजे खोला जा रहा है, तीसरा नल जो खाली करने का काम कर रहा है 11 बजे खाली खोला जा रहा है। तो अब आप एक चीज देखो, अगर पहला नल और दूसरा नल की हम बात कर ले तो ये 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भरने का काम करेगा, सेकेंड वाला जो नल है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक भरने का काम करेगा, मतलब 2 घंटे ये भी भरेगा, पहला वाला नल 3 घंटा पानी भर रहा है। तो जब ये दोनों नल, पहला और दूसरा नल अगर टंकी को भर देता है, उसके बाद ये तीसरा नल आ करके टंकी को खाली करने का काम करेगा, तो अब टंकी को कितना खाली करेगा, जितना टंकी में पानी भरा जाएगा उसी पानी को खाली करेगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले वाले नल से 8 × 3 = 11 3 घंटा का काम करवा लेते हैं या 3 घंटा पानी भरवा लेते हैं। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 4 × 3 = 12 यूनिट ये पहला वाला नल भरेगा, दूसरा नल जो है 9 बजे चालू होता है तो 9 से 11 बजे के पीरियड में 2 घंटा ये वर्क करता है, तो 2 घंटा अगर ये भरता है तो 5 × 10 यूनिट के हिसाब से ये भरेगा। अब अगर हम देखते हैं तो टोटल पानी अगर भराया तो कितना भराया, 12 × 10 = 22 यूनिट पानी भराया। अब चूंकि 22 यूनिट पानी भरा है, इसी पानी को तो तीसरा वाला जो नल है आकर के खाली करने का काम करेगा, ठीक है, इम्पटी करेगा, तो हम क्या करेंगे 22 में भागा दे देंगे 6 से, तो ये आपका 6 × 3 = 18, 18 × 4 = 24 / 6, ठीक है। अब इसे आप ये कर लो, सॉरी 60 से आप मल्टीप्लाई कर लो, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3 घंटा और इतना मिनट के आसपास हो जाएगा, मतलब ये इतना पूरा घंटा है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 6 × 10 = 60, 10 × 40, यानी हम कहेंगे 3 घंटा 40 मिनट, यानी तीसरा नल जो है ना वो टाइम कितना लेगा आपको टंकी को इम्पटी करने में, 3 घंटा 40 मिनट का टाइम लेगा। तो अब चूंकि यहाँ तो टाइम पूछा गया आपसे कि कितने बजे खाली होगा, क्लॉक वाइज पूछा हो, क्लॉक में पूछा कितने बजे खाली होगा, तो यहाँ खाली करने का काम कितना 11 बजे से चल रहा है, तो आप 11 से ये टाइम आप बढ़ा के जोड़ लो, तो 11 × 3 कितना हो जाएगा 12 और 2 = 14, 12 और 2 मतलब 2:40 हम कह सकते हैं कि 2:40 पर आपका जो टंकी है वह सी के द्वारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर इसी पैटर्न पर दूसरे इसी टॉपिक में दूसरे पैटर्न पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है फिर।